तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच जनजातीय जिले लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी क्षेत्र के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। शुक्रवार रात को लाहौल घाटी सहित कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। केलांग और कुकुमसेवी का न्यूनतम तापमान फिर माइनस में पहुंच गया। अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन शिंकुला दर्रा और दारचा से सरचू तक हाईवे फिर से अवरुद्ध हो गया है। बीआरओ ने कुछ दिन पहले इस मार्ग को बहाल किया था। अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में भी लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी का सिलसिला नहीं थम रहा है। कुल्लू में भी शुक्रवार रात को बारिश हुई है। मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण सेब के पौधों में फलों की सेटिंग की प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश से सेब पर खिले फूल झड़ गए हैं। राज्य में शनिवार सुबह करीब 10 बजे तक 3 नेशनल हाईवे और 60 सड़कों पर आवाजाही ठप थी। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य कई भागों में अंधड़ चलने से 532 बिजली ट्रांसफार्मर बंद रहे। शिमला में भी रात को हल्की बारिश और अंधड़ चला। आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए।